ओ हेलो वेलकम बैक टू द चैनल एंड यू आर वाचिंग जोजो मोटो व्लॉग। तो हेयर इज द पैंथर जो कि बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी है और अभी मैं जा रहा हूँ RW एकेडमी और सबसे पहले इसको धुलाना है बिकॉज बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ बहुत ही ज़्यादा गंदी हो रखी है, पूरा कीचड़ कीचड़ हो रखा है, काफ़ी टाइम से नहीं धुलाया है तो पूरा देखो कैसा व्हाइट व्हाइट हो गया ब्लैक में। और चलिए चलते हैं, और मैंने माउंट मंगाया था तो उसका माउंट भी इंस्टॉल करना है तो यहाँ पर लगाएंगे उसका माउंट। तो चलिए चलते हैं, पहले सबसे पहले तो चलते हैं। कैमरा एंगल आई डोंट नो कैसा आ रहा होगा, वो तो मुझे रुक के देखना पड़ेगा कि कैसा आ रहा है एग्जैक्ट, तो मुझे भी नहीं पता कि कैमरा एंगल कैसा आ रहा होगा। तो चलिए आगे खड़ी करते हैं और फिर रोकते हैं और फिर देखते हैं कैमरा एंगल कैसा आ रहा है। और मिरर नहीं लगा तो मेरे को नहीं पता चल पा रहा है कि कैमरा रिकॉर्डिंग ऑन है कि नहीं ऑन, गोप्रो ऑन हो गया कि नहीं ऑन हो गया। और इस रास्ते पर मुझे शाम टाइम जब मैं निकलता हूँ तो मेरे जो बच्चे सब्सक्राइबर हैं बहुत सारे मिलते हैं, मतलब 10-12 बच्चे हैं यहाँ पर जो सब्सक्राइबर हैं, छोटे छोटे हैं, मेरे को रोज़ रोक लेते हैं रोज़। छोटी सी विली, क्योंकि ये है विली मशीन और इसमें आने के बाद अगर विली ना पड़े तो फिर क्या ही कहने हैं, विली ऑटोमेटिक पड़े आती है इसमें। बहुत दिन बाद हेलमेट लगाया भाई साहब, भारी भारी लग रहा है मेरे, और मेरे को इससे ओवरटेक करना पड़ेगा। विली स्मॉल विली बिकॉज ऑलरेडी 50 के अराउंड थी तो इतना भी नहीं है कि 50 में विली हो जाए, बट हाँ 35-40 के अराउंड में विली हो जाती है एंड दूसरे गियर में विली हो जाती है, ये बहुत अच्छी बात है। इतना पावर है कि दूसरे गियर पे अगर आप हैं और दूसरे गियर पे अगर विली ट्राई करते हैं तो पॉप अप हो जाएगी विली, तो इतना पावर है। और तीसरे गियर पे अगर आप चल रहे हैं और अगर आप एक्सीलेटर लेते हैं तो पहिया स्किड हो जाता है, ये मतलब दिखाता है कि कितनी ज़्यादा पावर है बाइक में। तीसरे गियर पर आप नॉर्मली चल रहे हैं एक्सीलेटर लेंगे तो पहिया स्किड करके भागता है। कहाँ है कहाँ नहीं है, धुलाई वाला नहीं है यार, पहले अपना काम करते हैं इसलिए ये वीडियो में शूट कर रहा हूँ और यहाँ पे विली करूँ मैं किसी दिन नहर में ना घुस जाऊँ मैं विली के चक्कर में, मतलब ऐसे करो देखो मैं मेरा बैग चिटका जा रहा है मैन, ऐसे यहाँ पे ट्राई करते हैं। वो तो हम लोग आ गए हैं RW एकेडमी, खड़ी कर दी है बाइक और शिप में निकालता हूँ अपना बैग जो कि बहुत हैवी है मैन, है कुछ नहीं इसके अंदर लेकिन इतना हैवी है, पता नहीं क्यों कंपनी वाले इतना हैवी बनाया है, 3 किलो के आसपास का बैग है। तो चलो निकालते हैं, और कुछ है ही नहीं, ये था मैं अनबॉक्सिंग कर चुका था। तो ये माउंट है, ये लगेगा यहाँ पर ऐसे करके एंड देन यहाँ पर मिरर लग जाएगा और इसके साथ वायर भी है और ये चार्जर भी है, इसमें फ़ोन फंसेगा एंड देन ये इसके जो एजेट्स हैं एज में फंसेगा ताकि ये अच्छे से फंस सके। चलो फिर सबसे पहले क्या करते हैं इसको खोलते हैं। तो यहाँ खड़ी अपनी RC, इससे निकालते हैं हम टूल्स, तो टूल्स लेके चलते हैं एंड देन खोलते हैं, और ये फ़ोन भी दिख रहा होगा आपको, इसको निकालते हैं इसमें भाई साहब ये लग जाएगा, एंटी क्लॉक खोलना चाहिए, खुल जा भाई, इसको लगाते हैं ऐसे, तो ये हो गया है माउंट, ये लूज किया, ये मूवमेंट हो गया, कहीं भी मूव कर सकते हैं, ठीक है नहीं टच हो रहा, फ़ोन कुछ लगेगा ऐसा, ये जो है ऐसे फिक्स होगा पहले, ये रबड़ लगा दी है जो कि एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए होती है रबड़, ताकि एक्स्ट्रा प्रोटेक्ट कर सके, पीछे से फंसी हुई है तो अभी तो ठीक ठाक लग रहा है यार, लेकिन थोड़ी थोड़ी डर भी लग रहा है क्योंकि इतना महंगा फ़ोन मैं गिराना नहीं चाहता हूँ, अगर गिर गया तो बवाल हो जाएगा। तार अभी ऐसे ही खुला है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्या ये चल पाता है कि नहीं, और कितना ज़्यादा वाइब्रेट हो रहा है मेरा फ़ोन देख रहे हो, और भाई साहब ये ऑफ रोडिंग तो है ही, बस मेरा फ़ोन ना गिरे भगवान, डर लग रहा है यार बहुत ज़्यादा, कितना ज़्यादा कंपन हो रहा है, और ये अलार्म लग गया 2 बजे का बिकॉज मैं वीडियो डालता हूँ स्टॉप। तो अभी ओवरऑल तो ठीक ठाक है, बस थोड़ी सी मेरे को डर लग रहा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेक कर रहा है, और मैं यहाँ कुदा दूँगा थोड़ी ऑफ रोडिंग हो जाएगी, क्योंकि ऑफ रोडिंग के लिए देखना है कि कैसा काम करता है ये, थोड़ा मैं पीछे भी हो लूँगा इसी बहाने पापा लोगों के पास, और ये गऊ माता, तो बहुत ज़्यादा सेक हो रहा है, मेरा सांसें थमी हुई है, मतलब क्योंकि सेक बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन ऊपर की जो ये लेयर है रबड़ की लेयर है इससे थोड़ा विश्वास है कि हाँ अच्छा पकड़ है, अच्छा प्रोटेक्शन है, बस नीचे का कुछ ढीला नहीं हो वरना मेरा फ़ोन गिर जाएगा।
वाइब्रेट हो रहा, भग 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 हो रहा है, फ़ोन बहुत ज़्यादा हिल रहा है। अब ये देखना है कि कैसे ये टिका रहेगा। और यहाँ पे बैठी मौसी, पापा जी और मम्मी वहाँ पे हैं, खाना बना रही हैं। तो कहे कि सब्जी बना रही हो अम्मा, बथुआ। तो यहाँ पे बन रहा है बथुआ। घर में तो कोई है नहीं, लॉक लगा के आया हूँ। थोड़ा स्पीड से चल के देखते हैं कैसा है। तो ओवरऑल अगर अभी की बात बताऊँ तो ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन गिरने का मेरे को चांस थोड़ा कम लग रहा है। थोड़ी और स्पीड से चल के देखते हैं। भाई साहब, तो स्पीड से भी चल के देखा है तो ऐसा कुछ खास मेरे को लग नहीं रहा कि ये गिरेगा। और यहाँ तो प्रॉपर ऑफ रोडिंग है, देख रहे हो कैसे गाड़ी चिटक रही है। तो फ़ोन मेरा हिला जा रहा है। तो ओवरऑल अभी तक मेरे को परफॉर्मेंस ठीक ठाक लग रहा है इसका, कि हाँ चलो फंसा हुआ है, ऐसा फंसा हुआ है और ये रबड़ ऐसी लगी हुई है। बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए तो हाँ मजबूती अच्छी थी, हिल रहा है, लेकिन गिरने के आसार जो है वो कम लग रहे हैं। बिकॉज इसके अलावा ये अच्छी ग्रिपिंग में है और ये रबड़ है तो प्रोटेक्ट की हुई है। और मेरा डिस्प्ले जो है फ़ोन का वो कर्व है, तो थोड़ी डर भी लग रहा है क्योंकि कर्व डिस्प्ले है, तो मेरे को कवर ही लगा के ही लगाना पड़ेगा बिकॉज डायरेक्ट प्रेशर पड़ेगा स्क्रीन पे। तो अभी जो है ये वायर मैंने अंदर से यहाँ से लेके फिर नीचे तक लेके गया था, तो यहाँ तक बस आ पाया था, तो मैंने अभी डायरेक्ट लगा दिया है ये देखने के लिए कि चार्ज होता है कि नहीं। उसके बाद मैं फिर वायरिंग कट करके अंदर से फिटिंग करूँगा, बिकॉज वायर थोड़ा छोटा है इसके हिसाब से। ये चार्जर है और ये देखिए, ये फ़ोन इतना बड़ा है मेरा कि इलास्टिक जो है टूट चुकी है, इलास्टिक टूट गई है। मैं चिपकाने की कोशिश करूँगा, अगर बन गया तो ठीक है, वरना स्वाहा। चार्ज हो रहा है, एनजे प्लग किया, 37%। तो चार्ज हो रहा है, अब कितना फास्ट चार्ज होता है ये मैं नहीं बता सकता बिकॉज बैटरी है, तो कितना ही फास्ट होगा। तो 37% है, 2:18 है, 2:20 में 2 मिनट में देखने कितना परसेंट बढ़ता है। मेरे ओरिजिनल चार्जर में तो 6-8% बढ़ जाता है 2 मिनट में, इसमें देखते हैं कि कितना बढ़ता है। तो 1 मिनट हो गया है, स्टिल 37%। और ये कुछ लोचा हो रहा है, आई डोंट नो वाई, पकड़ रहा छोड़ रहा है, पकड़ रहा छोड़ रहा है समथिंग। तो इसको थोड़ी देर रखते हैं। सो माउंट मैंने निकाल दिया है यहाँ से और इसको कर दिया पैक। ओवरऑल अगर बात की जाए तो इसका जो माउंट था वो बहुत ही मजबूत, पावरफुल था, अच्छा था। लेकिन चार्जर की बात की जाए तो चार्जर में प्रॉब्लम आ रही थी, वो पकड़ रहा था छोड़ रहा था, एंड देन 2 मिनट भी लगाए था मैं तो उसका 1% भी चार्ज नहीं हुआ। तो चार्जर थोड़ा मेरे को वीक लगा, मतलब थोड़ा रिस्पॉन्स करना चाहिए, 2 मिनट में 1% तो चार्ज ही होता। तो मैंने इसको रिटर्न कर दिया। तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इसको ट्राई करें। ट्राई कर सकते हैं, अगर आपको सिर्फ माउंट की जरूरत हो तो आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको चार्जर से ज़्यादा मतलब ना हो, सिर्फ आपको लोकेशन देखने के लिए अगर माउंट की जरूरत हो तो बेस्ट मैं कहूँगा। ग्रिपिंग अच्छी थी, इतना हैवी फ़ोन है, 200 ग्राम से ज़्यादा वेटेड फ़ोन है, तो उसको भी टिका के रखा अपने साथ। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही वीडियो में, और बहुत ही जल्द हम एक नया टूर लेके आने वाले हैं 1500 किलोमीटर का, तो बहुत ही ज़्यादा मजा आएगी। तो चैनल पर नए तो बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। और इसका सिस्टम मैं देखता हूँ कुछ, फिर देखता हूँ ट्राई करता हूँ क्या नया मंगाऊँ। ओके बाय।